हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील चौहान लॉजिकल माइंड में स्वागत करता हूं आपका आपके अपने इस चैनल में। दोस्तों, आज आपको मैं बताऊंगा कि हमें विंडो इंस्टॉलेशन में अब जो नई जनरेशन आ रही है, जैसे अभी HP की 11 जनरेशन है, उसके अंदर हम जब विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं तो विंडोज़ इंस्टॉलेशन में हार्ड डिस्क शो नहीं होती, सेटअप में हार्ड डिस्क दिखाता है। उसका क्या सलूशन है मैं आपको आज बताऊँगा, देखते हैं। तो ये HP का 11 जनरेशन का लैपटॉप है, HP 15S। ये i3 11 जनरेशन है। हम इसमें विंडोज़ को सेटअप करेंगे और इसमें हमें इशू आ रहा है कि हम विंडोज़ जब सेटअप करते हैं तो हमारी हार्ड डिस्क, जब ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, मैं इसको अपनी हार्ड डिस्क पेन ड्राइव से बूट करा रहा हूँ। UEFI मोड पे पेन ड्राइव होनी चाहिए। ये देखिए विंडो इंस्टॉलेशन हमारी शुरू हो गई है। मैं इसे नेक्स्ट करता हूँ। जैसे ही मैं इसे नेक्स्ट करूँगा, इंस्टॉल नाउ, आई एग्री एंड द नेक्स्ट कस्टमाइज इंस्टॉलेशन। यहाँ पे देखिए हमारी हार्ड डिस्क है जो हमें शो नहीं हो रही है। इसको हम कैसे शो करेंगे मैं आपको ये बताऊंगा। हम इसको रीस्टार्ट करते हैं दोबारा अपने सिस्टम को। हम पहले अपने सेटअप में जाएंगे, प्रेस F10 टू इंटर सेटअप। हम यहां पे इस पर कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, ASCII मोड पे। यहां पे है इंटेल रेड स्टोरेज टेक्नोलॉजी, इसको बोलते हैं IRST। इसमें हम इसका वर्जन चेक करेंगे। ये इसका वर्जन है इंटेल RST 18.0.1 4963। हमें इसका ड्राइवर ढूंढना है। हम इसका ड्राइवर ढूंढेंगे, उसके बाद मैं आपको दोबारा आगे बताता हूँ। ये देखिए हम गूगल में इंटेल रेड 18.0.1 था हमारे पास, जो आपने मैंने उसमें बताया था आपको कौन सा है, वो हम डाउनलोड करेंगे। आप चाहे तो इसकी HP की साइड से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं, पर मैं इसको डायरेक्ट इंटेल की साइड से डाउनलोड कर रहा हूं। ये देखिए इसमें मुझे दो ड्राइवर आ गए। मैं इसकी zip फाइल डाउनलोड करता हूं और इसको डाउनलोड करके हमारी जो बूटेबल पेन ड्राइव है उसके रूट पे इसको हम सेव कर लेंगे। रूट मींस उस ड्राइव लेटर में हम इसको कॉपी कर लेंगे और कॉपी करने के बाद हम दोबारा सेटअप चलाएंगे, ठीक है जी। उस सेटअप में क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए दोबारा मैंने ड्राइवर कॉपी करके मैं अपनी पेन ड्राइव से बूट करा रहा हूँ इसको दोबारा। नेक्स्ट, इंस्टॉल नाउ। मैं इसको एक्सेप्ट करके नेक्स्ट करूंगा, कस्टमाइज। ये देखिए हमारी हार्ड डिस्क यहां पे हमें डिटेक्ट नहीं हो रही है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहां पे लोड ड्राइवर पर जाएंगे। ये देखिए लोड ड्राइवर। इस टाइम कई बार कई लैपटॉप ऐसा भी होते हैं जिसके अंदर यहाँ पे माउस काम नहीं करता, तो मैं यहाँ लोड ड्राइवर पर जाऊंगा। इसने पूछा ब्राउज, ओके एंड कैंसिल। मैं ब्राउज करूंगा, ब्राउज करके मैं उस लोकेशन पर जाऊंगा जहां पे मैंने वो ड्राइवर अपनी पेन ड्राइव में कॉपी किया है। ये देखिए ये मेरी पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव मैंने ड्राइवर जहां कॉपी किया है मैं उस लोकेशन को खोलूंगा। ये देखिए मैंने एक फोल्डर इसमें कॉपी किया है IRST रेड, ये मैंने रूट पे ही कॉपी कर दिया है, पर इसकी लोकेशन कुछ भी हो सकती है। आप जब इस फाइल को एक्सट्रैक्ट करेंगे तो जरूरी नहीं ये आपको रूट पे ही मिल जाए, आप फोल्डर्स के अंदर फोल्डर 86 के 64 बिट के फोल्डर होंगे, आपको वो सर्च करने पड़ेंगे। ये फाइल मैंने सर्च करके इस फोल्डर में रूट पे डाल दिया। अब इसे मैं नेक्स्ट करता हूँ, ओके। ये देखिए इसने हमें दो ड्राइवर दिखा दिए हैं,
ये देखिए इंटेल आरएसटी वीएमडी कंट्रोलर, मैं इसको एंटर करूंगा। जैसे मैं इसको एंटर करूंगा स्कैनिंग करेगा, ये देखिए अगर उस फोल्डर में ड्राइवर नहीं होगा तो ये देखिए हमारी हार्ड डिस्क सर्च हो गई है। अब इसके बाद आप इसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, अपनी पुरानी विंडो डिलीट करके उसे रीइंस्टॉल कर सकते हैं, सो इजी। और अगर दोस्तों इसके अलावा भी अगर आपको कोई हेल्प या कुछ समझ ना आ रहा हो तो आप मुझे कॉन्टैक्ट करके, मेरे को मेल करके मुझसे हेल्प ले सकते हैं या मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। ड्राइवर सर्च करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है कि आपको सेटअप में इंटेल रेड का प्रॉपर वर्जन डाउनलोड करना है, अगर वो आप गलत करेंगे तो रेड नहीं हार्ड डिस्क दिखाएगा। और दोस्तों मुझसे जो भी मिस्टेक हुई हो उसके लिए मैं सॉरी बोलूँगा, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और लॉजिकल माइंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू।